ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीएस अगर कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ, उसके पहले मैं लाइव वालों से बात कर रहा था कि भाई मुझे लाइफ में दो ही चीजें आती है और दो ही चीजों पर मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, एक कॉस्टिंग और दूसरा एफएम। सो इंटर में भी मैं कॉस्टिंग एफएम पढ़ाता हूं, सीए फाइनल में भी मैं कॉस्टिंग एफएम पढ़ाता हूं। तो फाइनल में उसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इंटर में जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्टिंग एंड एफएम। सो ये दोनों चीजें चल रही है। वाह, थैंक यू सो मच अर्शी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब लोग को देख के। फर्स्ट सेशन, आई वी ऑल एक्साइटेड? नहीं भाई अर्नब, हमारे को यही दो चीजें आती है, इंजीनियरिंग नहीं आती है। चलो ग्रेट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अगेन, फुल चांस टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, एंड बस यही मेरा मोटो रहेगा दैट वो जो 150 मार्क्स है ना आपके, वो 150 मार्क्स में से मेरी इच्छा है कि मैं आपको पूरे 150 दिलवा ही दूं। बस मेहनत उतनी करेंगे आप भी मैं भी, बाकी तो एज वी से दैट वील डू आर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, राइट? सो अगेन, अपने बारे में क्या कहूं, तुम लोग वैसे तो कॉस्टिंग में काफी लोग हो तो पता होगा, बट फिर भी बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। एंड मैंने जब अपना सीए का एग्जाम क्वालिफाई किया था, द फर्स्ट जॉब दैट आई डिड वॉज ऑफ एसेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। जी हाँ, तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं वो मैंने प्रैक्टिकली 4 साल काम किया है, और मैं फॉर्चुनेट था दैट आई गॉट अ जॉब विद वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, एंड दैट इज JP Morgan। जी हाँ, वहां पर मैंने 4 साल काम किया एज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड बस वही एक एक्सपीरियंस है जो आप लोग के साथ मैं शेयर करते करते यू नो दिस सब्जेक्ट विल बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो जेपी मॉर्गन की एक स्टोरी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरी पर्सनल स्टोरी है इंटरव्यू की, एंड कैसे मेरे को जेपी मॉर्गन में जॉब मिला। क्या आपको क्या लगता है कि, चलो देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। सो प्रॉब्ली आई वॉज 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 ईयर्स एंड सम मंथ्स, एंड आई वॉज ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वॉज ऑलरेडी अ कंपनी सेक्रेटरी। तो मेरा सी ए सी एस हो गया था दोनों कंप्लीट बाय द एज ऑफ 21 एंड समथिंग, तो 22 ले लो। तो अकेडमिकली काफी अच्छा था, बॉर्न एंड ब्रॉटअप मुंबई, एंड मेरा कॉलेज भी नरसिमोजी कॉलेज, विच इज लाइक यू नो यू कैन से महाराष्ट्र टॉप कॉलेज में आता है, वहां से मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई थी। सो अकेडमिकली मैं काफी स्ट्रांग था, मेरा रिज्यूमे भी काफी स्ट्रांग बना था। तो ऑब्वियसली सीए बनने के बाद सब लोग जॉब ढूंढते हैं, मैं भी जॉब ढूंढ रहा था। सीए निकल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट, सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा सीएस तो सीएस तो मेरा टीवाई बीकॉम के एग्जाम क्लियर करने के पहले आई वॉज ऑलरेडी अ कंपनी सेक्रेटरी। सो बाय दैट एज मेरा दोनों हो गया था। तो अब ऑब्वियसली मैं जॉब ढूंढ रहा था, एंड जॉब के लिए मैंने काफी सारे जगह पे रिज्यूमेज मेरे पुटअप किए। आज भी मुझे डेट याद है, 9th ऑफ फेब्रुवरी को मेरे को कॉल आया जेपी मॉर्गन से, और उन्होंने कहा कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ जेपी मॉर्गन, कैन आई स्पीक टू सीए संकल्प कांस्टिया। कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के, नाम के आगे सीए, यस। तो कैन आई स्पीक टू सीए संकल्प कांस्टिया, तो मैंने बोला यस स्पीकिंग। तो उन्होंने बोला कि सर आई एम द एचआर ऑफ जेपी मॉर्गन एंड वी हैव गॉट योर रिज्यूमे, वुड यू वॉन्ट टू कम टू आर फर्म फॉर आर इंटरव्यू। मैं बोला अरे वुड यू वॉन्ट टू कम, क्या ये तो हमारा ड्रीम था, ये तो ड्रीम कम ट्रू होने वाला है ऐसा। तो मैंने बोला यस यस डेफिनेटली आई विल बी देयर एट योर प्लेस, कब आना इंटरव्यू के लिए बताइए। तो उन्होंने बोला सर योर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विल बी आफ्टर 2 डेज, तो 11th फेब को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और उन्होंने बोला कि योर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विल बी आफ्टर 2 डेज 11th फेब एट 4 PM। मैंने बोला ओके मैम आई विल बी देयर, जो एचआर थे उनको मैंने बोला कि ओके आई विल बी देयर। एनी गेसेस मेरे टोटल कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए होंगे, एनी गेसेस बोलो। फर्स्ट राउंड के लिए तो कॉल आ गया, फर्स्ट राउंड में भी हो जाते लोग,
को टाइम भी लगता है। जेपी मॉर्गन जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी है, कितने मेरे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, एनी गेसेस? कम ऑन, लेट्स सी, क्या लगता है आपको? ओके, पलक ने कहा है 5, सौम्या बोल रही है 4, हर्षमीत बोल रहा है 3, अर्नव हवा में तीर चला रहा है बोल रहा है 15। अबे 15 राउंड ऑफ इंटरव्यू ही देते रहूंगा तो काम करूंगा या जिंदगी भर इंटरव्यू देते रहूंगा एक ही जगह पे? ओके, सो वेल द करेक्ट आंसर इज देयर वर 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। अनफॉर्चुनेटली आप लोग में से किसी ने भी 6 नहीं बोला है, 1 2 3 4 5 7, सोचो 7 बोल दिया है, 5 बोल दिया है, बट किसी ने 6 नहीं बोला। एंड द करेक्ट आंसर इज देयर वर इन ऑल 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। 6 राउंड पास करने के बाद फाइनली उन्होंने मुझे थप्पा दिया और बोला कि हाँ भाई तुम जेपी मॉर्गन में काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ मेरे साथ इंटरव्यू में वो आपको बता। तो 11 फरवरी की बात है, इवनिंग 4 PM एंड इवनिंग 4 PM मैं पहुंच गया एकदम मस्त। और एचआर टीम थी, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना चालू किया। आप एचआर वाले हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछते, वो लोग पूछते हैं कि आपने सीए कब कंप्लीट किया, आपके घर पे कौन रहता है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ा तो चलेगा क्या? तो सबका मैंने जवाब दिया एंड इट वॉज वेरी स्मूथ। उन्होंने बोला सर आपका कल सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू है विद सीनियर एचआर। बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मैं सेकेंड डे पे आ गया, 12 फरवरी को भी मैं गया। सीनियर एचआर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसने भी वही बोला कि इधर उधर की थोड़ा सा बातें की, उसने थोड़ी हाई लेवल की बातें की कि सपोज कभी कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया तो क्या आप उसका काम टेक ओवर कर पाएंगे, वैसे सब मतलब बिहेवियरल जो इश्यूज होते हैं ना, जो एक ह्यूमन बीइंग को समझने के होते हैं कि भाई कैसा ये बंदा क्राइसिस में हमारे साथ रहेगा कि नहीं, हमारा काम करेगा कि नहीं, वो समझने वाली चीजें उन्होंने मेरे को पूछना चालू किया। तो सीनियर एचआर के साथ वो उसने मुझे एक दो केसेस दिया कि सपोज कभी आग लग गई कंपनी में तो पहले आप जूनियर्स को निकालोगे, आप खुद भागोगे, वो सब चीजें उन्होंने पूछा। काफी मैंने अच्छी तरह से आंसर दिया एंड ही वाज लाइक ओके वेरी गुड। अब 2 दिन बाद, विच इज वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी को आपका मीटिंग आपकी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होगा, हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एंड जो डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन होने वाले हैं, एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ होगा। मैंने बोला कौन है ये लोग? तो वाइस प्रेसिडेंट वाज आई थिंक फ्रॉम आईएम से उन्होंने एमबीए किया हुआ था प्लस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो एचओडी थे ही वाज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम सीएफए। मैंने बोला सही है, ये एकदम टेक्निकल राउंड होगा। मैं अपना पूरा 14 तारीख को, भाई लोग मनाते हैं वैलेंटाइन डे, हम मनाते हैं इंटरव्यू डे। So, मैं 14 फरवरी को गया एकदम, मतलब अपनी जितनी भी बुक्स थी सारी बुक पढ़ ली। मतलब ये जो मॉड्यूल था ना, ये मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो होता है ना, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मतलब मैंने समझ लो ऐसे चाट लिया और एकदम अपने दिमाग में भेजे में फिट कर दिया। मैं बोला कि भाई पूछने दो अभी इसको जो क्वेश्चन पूछना है। गया मैं, अब उन्होंने मुझे पूछा कि भाई देखो आपको क्या रोल चाहिए, ये मुझे एचआर ने पूछ के रखा था पहले भी, आपको क्या डिपार्टमेंट चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला सर मेरे को ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। तुम लोग ने ये वर्ड सुना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? बाय एनी चांस सुना है तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? तो वो टाइम पे मैं भी ऑलमोस्ट तुम्हारे जितना था, थोड़ा तुमसे 2 3 साल बड़ा होगा, 21 22 साल का था मैं, तो वो टाइम पे सुना था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है। बस इतना पता था कि यार ऐसा जॉब है जहां पे अगर कोई बंदा घुस जाए तो उसको 20 25 लाख सालाना मिल सकता है। जी हाँ, 22 25 लाख रुपीज इज वॉट ही कैन अर्न। तो आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड फॉर इट। मैं बोला कि सर मेरे को भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है। ठीक है, तो अब मेरा इंटरव्यू राउंड चालू हुआ। मैं था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड सीनियर मैनेजर ऑफ द सीनियर एचआर ऑफ द कंपनी। तो ये 3 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो सीनियर एचआर तो ऐसे ही बैठा था, ऐसे मेन वो तो इंटरव्यू मेरा ले चुका था। अब एचओडी और वीपी ने मेरा रिज्यूमे गो थ्रू किया। ठीक है, अज्यूम करो ये मेरा रिज्यूमे है। उन्होंने ऐसे ही गो थ्रू किया और उन्होंने बोला कि अच्छा संकल्प कांस्टिया चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट वेरी गुड, ये वो ब्ला 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 ब्ला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वी आर वेरी इंप्रेस। जैसे ही उन्होंने बोला वी आर वेरी इंप्रेस, मैं बोला बॉस अपनी तो लॉटरी निकल पड़ी, ये तो अपने से इंप्रेस हो गया है, अब 20 25 लाख के नीचे लेके उठना नहीं है। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 10 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे 20 25 लाख यार बहुत बड़ी बात है।
मैं बोला नहीं यार, अब तो इतना पैकेज लेके ही मैं उठने वाला हूँ यहाँ से, मन में एकदम कॉन्फिडेंट था। उन्होंने बोला कि बताइए आपके बारे में कुछ, कि आप बनना चाहते हैं, आप आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। तो मैंने उनको बताना चालू किया, सर आई एम अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन एंड ये एंड ब्ला ब्ला ब्ला, अपनी बड़ाई करना चालू किया। और फिर मैंने बोला कि सर मेरे को आने वाले 5 साल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपने आप को, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के हेड के रूप में देखता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा 5 साल में आप कंपनी के हेड बन जाएंगे। मैंने बोला यस सर, मैं मेहनत करने को रेडी हूँ एंड 5 साल में मैं कंपनी का हेड बन जाऊंगा। उन्होंने बोला बहुत अच्छे यार, ये एज में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आपको उसका काफी आइडिया भी होगा। तो उन्होंने मुझे ये बोल के इंटरव्यू राउंड चालू किया। उन्होंने बोला मिस्टर संकल्प, बिकॉज आपने बोला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और आप इतना बोल रहे हैं कि भाई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और ये सब में आपको जाना है, देन हम आपको एक सवाल करना चाहते हैं, दैट आप बताएंगे लास्ट 6 मंथ्स में ग्लोबली टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स कौन सी हुई है। मिस्टर संकल्प प्लीज टेल अस द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स विच हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 मंथ्स। आपको क्या लगता है, क्या मेरे पास जवाब होगा? भाई जस्ट इंटरव्यू के 2 दिन पहले मैं एकदम प्रॉपरली ये मॉड्यूल आईसीएआई की मॉड्यूल पूरी पढ़ के गया था, पूरी पूरी आईसीएआई की मॉड्यूल करके गया था। तब ऑब्वियसली मेरे पास तो कोई क्लूज नहीं था, तब मेरे पास तो ऑब्वियसली कोई भी क्लूज था ही नहीं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स के बारे में क्या चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या जवाब दिया होगा? मैंने थोड़ा इधर उधर बोलने का ट्राई किया, बट वो जो सामने बैठे थे वो तो बड़े एक्सपीरियंस लोग थे। उन्होंने बोला क्या क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू सेइंग? और मैंने 2-3 मिनट ब्लफ किया और उसके बाद बोला सर मुझे आइडिया नहीं है, सर ध्यान नहीं आ रहा है। उससे बोला अच्छा आइडिया नहीं है, पर तू तो बोला तेरा तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मर्जर्स एंड एक्विजिशन में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तो पता होना चाहिए ना तेरे को। बोला हाँ सर बट नहीं आइडिया सर, थोड़ा टच में नहीं हूं। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला चलो वी विल आस्क यू सेकेंड क्वेश्चन, आई एम श्योर तुम लोग तू सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे देगा। उन्होंने पूछा सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, टेल अस द बॉल पार्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 मंथ्स। अब डील क्या हुआ है वो ही नहीं पता है। दूसरा उन्होंने वर्ड यूज किया बॉल पार्क ऑफ द डील, क्या आपको पता है बॉल पार्क का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को भी पता है बॉल पार्क का मतलब क्या होता है? जैसे आपको नहीं पता है, हाल मेरा भी वही था क्योंकि मैं भी मॉड्यूल पढ़ के गया था और मॉड्यूल पे कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ने बॉल पार्क का मतलब नहीं लिखा था, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि बॉल पार्क का मतलब क्या होता है। तो जब मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा तो उसका आंसर देना तो बहुत दूर दूर का बात है। मैं बोला सर बॉल पार्क, मैं बोला यस व्हाट वाज द बॉल पार्क ऑफ द डील? बोला सर आई हैव नो आइडिया सर, मतलब लिटरली मेरे पसीने छूटने लग गए, बॉल को पार्क करना, हाँ मतलब मेरे दिमाग में यही सब चीजें चल रही थी, बॉल पार्क मतलब बॉल को पार्क करना। तो भाई साहब मैं बोला कि गया भाई ये जॉब तो गया, 20-25 लाख छोड़ भाई, 2-2.5 लाख भी नहीं देंगे तेरे को, तो 2 क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे पाया है तू। उन्होंने बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, वी विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बोला यस सर पूछो, मतलब मेरा मन तो कर रहा था कि बोल दूं कि सर मुझे निकलना है यहाँ से, सर मेरे को नहीं देना इंटरव्यू, बट उन्होंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, वी विल आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन। उन्होंने मुझे थर्ड क्वेश्चन पूछा, ओके टेल अस हु वर द लीड रनिंग मैनेजर्स, हु आर द लीड रनिंग मैनेजर्स ऑफ द टॉप 3 डील्स इन इंडिया। अरे भाई कौन सा डील हुआ है नहीं पता है, बॉल पार्क क्या है नहीं पता है, लीड रनिंग मैनेजर्स कहां से पता होगा इस नादान को। और मैंने बोला कि सर फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर आस्किंग मी। भाई हम तो मॉड्यूल और ये सब पढ़ के आगे गए थे, हमको क्या पता था कि तुम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने वाले हो। उन्होंने बोला अरे मिस्टर संकल यू तो जस्ट टोल्ड दैट यू हैव सो मच इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, देन यू शुड नो दिस नो। बोला यस सर, बट मतलब जो आदमी अभी तक इतना हवा में था, क्लाउड 9 पे था, अब पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बाद वो जमीन पे गिर गया और अब तो हालत यह है कि वो जमीन के भी अंदर चले गया है। भाई लिटरली मेरे वो सीनियर एचआर को देखा, उसने मेरा मुंह देखा इतना छोटा हो गया है, उसने बोला मिस्टर शंकर इट्स ओके डोंट वरी। मैं बोला व्हाट डोंट वरी, कैन आई
क्विट द इंटरव्यू। बोला अरे नो नो सर इट्स ओके स्टे कंफर्टेबल, ऐसा वो सीनियर एचआर मतलब अच्छे लोग होते हैं एचआर वाले, ये अपने सीए और एमबीए जैसे नहीं होते इतने स्ट्रिक्ट कि भाई पसीना दिलवा दे मेरा। एंड मेरी हालत खराब लिटरली, आई कैन स्टिल रिकॉल दैट डे, उस दिन वो दिन आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। एंड एंड जेन्युइनली हुआ था, मतलब आपकी गजब, जेन्युइनली मेरे साथ यही हालत हुआ था। मैं अपनी क्यों मारूंगा वरना यार। तो अब मुझे लगा ये तो समझ में आ गया दिल में कि भाई अपना कट गया है, मतलब अपना यहां पे तो नहीं होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है, इस कंपनी में तो इस डिपार्टमेंट में तो नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, बट मैं बोला कि भाई इंटरव्यू से जाने तो दो, साला 3 क्वेश्चन देगा, पहला पे इज्जत का फालूदा, दूसरा पे और गया, तीसरे पे तो मतलब वो लोग ने पूरा मतलब मेरे को निचोड़ दिया, खत्म ही कर दिया। मतलब क्या करूं, ठीक है भाई जो पूछ रहे हो पूछो। फिर उन्होंने वापस से मेरा रिज्यूमे लिया, उन्होंने बोला कि भाई मुझे लगा देख रहे कि सच्ची में इस आदमी को सीए का डिग्री मिला है क्या, कहीं इंस्टीट्यूट को फोन करके बोल ना दे कि भाई इससे सीए का डिग्री ले लो। मतलब लिटरली उस दिन 3 क्वेश्चन के बाद तो मुझे अपने आप के सीए होने पे डाउट हो गया। मैं बोला भाई मैं हूं ना सीए, मतलब भाई लिटरली। तो ठीक है अब हुआ सो हुआ, आगे उन्होंने वापस से मेरा रिज्यूमे गो थ्रू किया, उन्होंने बोला अच्छा, फिर उन्होंने बोला अच्छा व्हाट इज योर, तीसरे में रबड़ी फालूदा, सच्ची में वही हाल होता, रबड़ी का नाम मत ले, बॉल का नाम मत ले भाई तू प्लीज। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अब उन्होंने वापस से मेरा सीवी गो थ्रू किया जैसा मैं बोल रहा था, उन्होंने बोला कि अच्छा योर रिज्यूमे लुक्स इंप्रेसिव बट ओके टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब रिज्यूमे बनाते हैं ना आप लोग भी आज से कुछ साल बाद बनाओगे, तो हॉबीज है ना कोई डालता नहीं है इज्जत से, मतलब वो तो पुराना किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है, वही कॉपी पेस्ट मैंने भी किया था, कौन हॉबीज सच्ची में लिखता है यार। कोइंसिडेंटली उधर हॉबीज लिखा था प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग बुक्स, और कोइंसिडेंटली तीनों मेरी हॉबीज थी। मेरे को एक्चुअली क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, और म्यूजिक गाने सुनना बहुत पसंद है। तो वो मैं बोला चलो भाई ये तीन ही चीज है अच्छा है। उसने बोला अच्छा 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 ऐसा है, बोला यस सर। उसने बोला कि ठीक है प्लेइंग क्रिकेट इज योर हॉबी, तो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछू। मैं बोला यस सर पूछिए। तो उन्होंने मुझे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि सपोज बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन से छूट गया, कीपर से छूट गया, और कीपर के पीछे एक हेलमेट रखा है, हेलमेट को जाके बॉल लगा तो क्या होगा बता, कितना रन मिलेगा या क्या होगा, चल बता। ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा, क्या लगता है क्या इसका आंसर है, और क्या मैं इसका जवाब दे पाया कि नहीं, क्या लगता है। रन्स मिलेगा, कितना रन्स मिलेगा, रन तो काउंट होगा ही, कितना। अर्नव ने कहा है 5, वैसे ही मैंने भी इतना इमीडिएटली बोला सर 5 रन्स। उन्होंने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एंड एक्चुअली मुझे सही जवाब पता था एंड इट वाज 5 रन्स। विकेट कीपर को नहीं लगा, विकेट कीपर से भी छूट गया, सबसे छूट गया, और विकेट कीपर के पीछे हेलमेट रखा था उसको जाके लगता है ना तो 5 रन मिलते हैं, और मैंने एकदम इमीडिएटली आंसर दिया सर 5 रन्स। अच्छा उन्होंने बोला कि वाह, हमने जब तुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा तो तेरे पास जवाब नहीं है, और ये क्रिकेट का इतना जल्दी तूने जवाब दे दिया, तू यहाँ पे क्रिकेट का इंटरव्यू देने आया या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का। मैं बोला साला आंसर दो तो भी प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम। मैं जैसे ही आंसर दिया इतना खुश हुआ कि हाँ कुछ तो आया मेरे को, बट फिर ये लोग ने तो वापस बोल दिया कि अरे इसका आंसर क्यों दिया यार। मैं बोला ये क्या बात है। फिर उन्होंने बोला ठीक है सर, हाँ मैं भी जा सकता हूँ फिर तो जेपी मॉर्गन में, सुन अभी पूरा इंटरव्यू बाकी है मेरी जान सुन। फिर नहीं जॉब पक्की कैसे, वो तो मेरे को ऐसा बोलने लगे, बोले तेरे को इसका जवाब क्यों आया, मतलब तेरा ध्यान इधर उधर एक्स्ट्रा करिकुलर में, तेरा ध्यान मर्जर्स एंड एक्विजिशन में है ही नहीं। बोला यार अभी क्या बोलू। फिर उन्होंने वापस से मेरा सीवी लिया, वापस उन्होंने बोला अच्छा हॉबी प्लेइंग क्रिकेट, देखा वो तो अच्छा, रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो योर हॉबी। मैं बोला यस सर रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो माई हॉबी। तो उन्होंने बोला लास्ट कौन सा बुक रीड किया है उसके बारे में बता। कोइंसिडेंटली मैंने एक बुक रीड किया था जिसका आज की तारीख में मूवी भी बन चुका है, 2 स्टेट, सुना है तुम लोग ने, तो मैंने 2 स्टेट्स करके मूवी है वो, वो मूवी का बुक है 2 स्टेट्स चेतन भगत का, वो मैंने जस्ट रिसेंटली रीड किया था,
और मैंने उनको बोल दिया सर टू स्टेट्स आई हैव जस्ट रिसेंटली रेड. उन्होंने बोला ठीक है, टू स्टेट्स का जो बुक है उसका स्टोरी 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दी. और मैंने जब इंटरव्यू दिया था तब तक वो मूवी आया नहीं था, तो मैंने उनको मस्त में पूरा एक्सप्लेन कर दिया. मैंने बोला कि सर देर इज अ तमिलियन गर्ल एंड अ पंजाबी बॉय एंड दे मीट इन IIM एंड दे फेल इन लव एंड देन दे मैरी इच अदर बट देर आर प्रॉब्लम्स. 2 मिनट में पूरा का पूरा स्टोरी वो लोगों को सुना दिया. उन्होंने बोला वाह एकदम परफेक्ट स्टोरी सुनाया तूने तो. बोला यस सर थैंक यू, खुशी से बोला. उन्होंने बोला बट इतना परफेक्ट आंसर तू मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए क्यों नहीं दे रहा है जिसका तेरे को जॉब चाहिए. मैं बोला यार ये क्या खुफिया पत्ती है भाई, ये मैं कहाँ आ गया, कोई मुझे बचाओ. समझ रहे हो तुम लोग, ऐसा लिटरली हालत यार. जवाब दो तो भी प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम. तो भाई साहब मेरी हालत हो गई टाई टाई फिश. मैंने बोला आंसर दू के नहीं दू, दे रहा हूं तो भी तकलीफ, नहीं दे रहा हूं तो भी तकलीफ, चल क्या रहा है. लिटरली वो इंटरव्यू में कभी नहीं भूलूंगा. बोला यार ये चल क्या रहा है भाई, आंसर देने पे भी दुख है, आंसर ना देने पे भी दुख है, ये दुख का ही खत्म नहीं होता. ओह माय गॉड, चढ़ा रहे फिर उतार रहे, सही बोल रहा है यार. मतलब लेजिट मेरा हालत वही था. फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है चलो, तो तेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में तो पता है. बोला यस सर. फिर उन्होंने बोला कि ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर टेक्निकल राउंड. तो मैंने बोला कि सर तो अभी तक आपने टेक्निकल राउंड स्टार्ट नहीं किया. उन्होंने बोला नहीं, वो तो तेरा जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ना उसका आंसर तू नहीं दे पाएगा, हमको पता था. वो तो हम लोग भी टेस्ट कर रहे थे तेरे को कि तू इतना जो हवा में उड़ रहा है तेरे को थोड़ा जमीन पे लाना जरूरी है. हम भी कभी तेरे सीट पे बैठे थे तो हमको पता है आदमी कितना हवा में रहता है. मैं बोला वाह सर वाह. फिर उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चालू किया. उन्होंने क्वेश्चन पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, AS 19 लीजेस और AS 22 डिफर टैक्स के बारे में उन्होंने पूछा. एकदम मस्त पिटपैट मैंने आंसर दे दिया. क्यों? क्योंकि AS 19 और AS 22 तो मॉड्यूल में है और मॉड्यूल तो पढ़कर ही गया था मैं. फिर उन्होंने पूछा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR का क्या डिफरेंस है एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी आंसर एकदम परफेक्टली दे दिया क्योंकि वो भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है और बॉस तुम्हारा भाई मॉड्यूल तो पढ़ के गया था बराबर से. फिर बाद में और ऐसे ही मैं उन्होंने 2-3 क्वेश्चन वो लोग पूछते गए और उन सब का जवाब मैं देते गया. उन्होंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का टैक्स में से क्वेश्चन पूछा, थोड़ा कॉस्टिंग में से पूछा, थोड़ा लॉ में से पूछा, सबका एकदम परफेक्ट आंसर दिया तुम्हारे भाई ने. और उन्होंने बोला यस ये हम लोग को चाहिए था कि चलो टेक्निकली तू साउंड है. हाश थैंक गॉड, जान में जान आई. मतलब लिटरली मेरे को तो लग रहा था भाई गया आज का तो इंटरव्यू और गया जेपी मॉर्गन का ड्रीम. बट देखते रहे तुम लोग कैसे वो लोग खेलते हैं. हाँ अब यही वो 2-3 क्वेश्चन से मैं डाउन हो जाता और बोलता मेरे को बाहर निकलना, निकल जाता तो कभी पता ही नहीं चलता कि यार टेक्निकल सही भी जा सकता है. तो मैंने फिर बोला भाई थैंक यू सो मच गॉड फॉर हेल्पिंग मी. एंड उन्होंने बोला यू आर नाउ सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. ऐसे ही मैंने 4th राउंड दिया, 5th राउंड दिया, फाइनली 6th राउंड वाज विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. उसने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर. एंड उसके अलावा भी कुछ थोड़े बहुत उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एंड आई वाज एबल टू आंसर इट. एंड फाइनली माय ड्रीम केम ट्रू एंड मैं जेपी मॉर्गन में सिलेक्ट हो गया. मैंने सीधा जाके वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पूछा कि सर मेरा इंटरव्यू तो इतना खराब गया था, आपने मुझे कैसे सिलेक्ट किया. उसने बोला उस दिन तेरे को बताया ना, तेरा वो इंटरव्यू हम लोग ने जानबूझ के इतना टेक्निकल और इतना डिफिकल्ट बनाया ताकि हम लोग तेरे को पहले जमीन पे ला सके. बाकी जब तो तेरे को एक्चुअली हम लोग को भी पता है यार तू फ्रेशर है तो तेरे को मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो तू जो बुकिश नॉलेज है वो जब हमने तेरे को पूछा तो यू आर एबल टू आंसर इट और वही हमको चाहिए था. हमको पता है तेरे पास एक्सटर्नल नॉलेज था भी नहीं. बट उस दिन मैंने ठान लिया, उस दिन मेरे HOD ने बोला कि बट देख सुन अब तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, नाउ इट इज नॉट अ थिंग दैट अभी तेरे को इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना है और उसमें जो सिलेबस में है वही पूछा है वही आएगा. आज के बाद तू क्लाइंट को फेस करने वाला है और क्लाइंट जैसा बोलेगा जो क्वेश्चन पूछेगा उसका तेरे को जवाब देना पड़ेगा. क्या तू इस चीज के लिए रेडी है? मैं बोला नहीं सर. तो उसने बोला आज से एक ओथ ले ले कि एवरी डे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेगा एंड अपने आपका जो मार्केट का नॉलेज है उसको भी स्ट्रांग करेगा. तो उस दिन की बात है आज से 12 साल पहले की और आज की बात है. मुझे नहीं लगता है मेरा एक भी दिन इस न्यूज़पेपर को पढ़े बिना गया है. जी हाँ, और मैं आपको बता रहा हूं
शायद आप लोगों के लिए अर्ली डेज है, बट मैं मेरे हर एक स्टूडेंट से चाहता हूं कि वो इस न्यूज़पेपर के बारे में एटलीस्ट थोड़ी जानकारी रखे। देखो मैं तो अच्छा था, मेरे नसीब अच्छे थे कि वो टाइम पे मेरे साथ इतने ज्यादा लोग सीए में क्लियर नहीं हुए थे और मेरे को वो जॉब मिल गया। बट आज का तारीख बहुत कॉम्पिटिटिव है, और अगर आप कॉम्पिटिटिवली अप्रोच नहीं करोगे, आपको मार्केट से ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। अब देखो हर कोई वो मॉड्यूल का नॉलेज तो दे देगा इंटरव्यू में, बट अगर आप ये इकोनॉमिक टाइम्स का भी नॉलेज दे पाए ना, तब समझेगा कि हाँ इस बंदे में दम है और हमको इसको अपॉइंट करना चाहिए। क्या बोलते हो, मानते हो कि नहीं? और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तुम्हारा बेस मैं इतना स्ट्रांग रखूं कि बॉस जब तुम सीए फाइनल में पहुंचो और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तब तुम एक ऐसे फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पे निकलो कि दुनिया बोले कि यस यार ये बंदा तो मुझे चाहिए मेरे उसके लिए। और फाइनेंस के जॉब्स के में इतना पैसा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग असेट मैनेजमेंट डिवीजन में जाते हैं, आपका मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 20 to 25 लाख होगा ही होगा, बेयर मिनिमम। और एंड ऑफ द डे आप और मैं सब पैसे के लिए ही जी रहे हैं, अपने को पैसा ही चाहिए, इसी के लिए अपन सीए कर रहे हैं। दिस इज द नॉलेज जो आने वाले 2 साल में मैं तुम्हारे को देने वाला हूं ना, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। गाइज दिस इज गोइंग टू मोल्ड योर फ्यूचर। क्या लगता है गाइज? तो आज मुझे प्रॉमिस मिल रहा है आप लोग से, और तुम लोग बोलोगे कि सर हम लोग पढ़ेंगे बट हमारे को तो कुछ चीजें समझ में ही नहीं आएगी। आई अग्री, बट उसके लिए तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हारे को एंड तक हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारा ये बोलते हैं ना एक स्पार्क जगाऊंगा तुम्हारे मन में, दैट कैसे ये पढ़ के सब चीजें समझ में आ सकती है। सर टीचिंग में ज्यादा पैसा है कि फाइनेंस की जॉब्स में? पैसा उसमें है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो और आप फाइनेंस में जाते हो, देन इन दैट केस आपको फाइनेंस में पैसा मिलेगा। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो और टीचिंग में जाते हो, आपको टीचिंग में पैसा मिलेगा। एक कहावत है, एक है ना माइंड ट्री करके एक कंपनी है, उस माइंड ट्री कंपनी का एक मुलाजिम था, एक एम्प्लॉय था। वो क्या करता था पता है? मतलब वो कंपनी में झाड़ू का काम करता था, बट अदर देन दैट उसके अंदर मेन काम क्या था पता है? जो कोई किसी का भी डेथ हो जाता है ना, तो वो जाता था, वो डेड बॉडी उठाता था और शमशान में लेके जाता था। यही उसका मेन काम था। बट इतना उस काम में वो आगे बढ़ गया कि कहीं पे भी उनके पूरे एरिया में कहीं पे भी किसी का डेथ होता था, दे यूज टू कॉल हिम, वो ही आता था, जाता था, सब लेके प्रॉपरली कंप्लीट कर देता था। तो भाई डेड बॉडी उठाने वाला भी जब अपने काम को शिद्दत से करता है ना, तो उसमें भी वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो फाइनेंस फील्ड हो, टीचिंग फील्ड हो, या कोई भी फील्ड हो, आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, एंड यू शुड लाइक व्हाट यू आर डूइंग। फिर बाद में यस दुनिया आपकी है, जीत आपकी है। समझ रहे हैं आप? राइट हर्षमीत जी, सो बात है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज आप करना है, बाकी तो क्या ही बताए। टीचिंग में तो देखो ज्यादा पैसा तो है नहीं, आप मेरे को देख ही रहे हो। देखो दाढ़ी बनाने का भी मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो ना टाइम है ना पैसा है, बट एक समाज सेवा है, हम कर रहे हैं हम समाज सेवा, है कि नहीं? तो टीचिंग वालों को तो क्या ही बोले हम, बेचारे गरीब लोग हैं हम तो। ठीक है, 2 वक्त की रोटी आ जाती है आपके फीस से, हम खुश है, बहुत खुश है उससे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे। तो मैं फिर 4 साल जेपी मॉर्गन में था, वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट दिल कहीं ना कहीं टीचिंग में था, दिमाग फाइनेंस का था मेरा, ऐसा नहीं है। बहुत नंबर्स में मेरा बहुत अच्छा होल्ड था, तो घर वालों ने बोला, पेरेंट्स ने बोला, 3 वक्त की नहीं बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तीसरे वक्त का कुछ चाय का बंदोबस्त हो जाए तो हम तो उसमें खुश हो जाते पलक जी। तो घर वालों ने बोला, पापा ने बोला कि यार बेटा देख अभी तूने सीए सीएस की डिग्री ली है, सीधा टीचिंग करेगा, उससे अच्छा क्यों ना तू पहले थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस, मार्केट का एक्सपीरियंस ले ले, और थोड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस लेके जब तू पढ़ाएगा तो तेरे स्टूडेंट्स को भी समझने में मजा आएगा।
तीन वक्त की रोटी प्लस डेजर्ट आता होगा। अरे डेजर्ट क्या होता है, हमारे को तो एक ही चीज पता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट कुछ और भी होता है क्या, मुझे तो नहीं पता। चलो वैसा सिनारियो है भाई। तो मैंने फिर 4 साल काम किया और एक रिच एक्सपीरियंस लिया जेपी मॉर्गन में, और आज आप लोग के सामने हूं एंड पढ़ा रहा हूं मैं काफी टाइम से। सो फिर बाद में 4 साल काम करने के बाद रियलाइज हो गया यार नहीं यार, दिल की सुननी चाहिए। दिमाग ने तो चलो काम करवा दिया 4 साल, अब दिल की सुनता हूं। और फिर टीचिंग फील्ड में आया और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का इतना सपोर्ट मिला दैट चल गई, अब तो है चल पड़ी अपनी ये नाव है वैसा। हाँ रबड़ी फालूदा सुना है, कभी खाया नहीं यार, हम गरीब लोग यार, हमारे को थोड़ी ये सब नसीब में भी होता है। आइए मीना, आइए आइए अंजलि जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बादल पे पाव है अब छूटा गाँव है। चल ये थी कुछ हमारी कहानी, जेपी मॉर्गन की कहानी, हमारी जुबानी। चलो वैसा सीन है एंड देन फिर बाद में बहुत मजा आया काम करने में, वहां पे बहुत अच्छे लोगों से मिला, बहुत कुछ सीखा एंड सब चल रहा है अच्छा सब। तो क्या लगता है आपको क्या होगा इस चैप्टर में? सर प्रैक्टिस में सीए को सब फील्ड्स का नॉलेज होता है क्या? मेजरली ऑडिट और टैक्स का नॉलेज होता है उनको, मेजरली ऑडिट और टैक्स का नॉलेज काफी अच्छा होता है उनका, वैसा है। चल सर एफएम के लिए एस्टीमेट पे कितने पेज की नोटबुक बनानी होगी? देखो एक नोटबुक तो अपन लोग रखेंगे फॉर्मूला प्लस स्टूडेंट नोट्स के लिए, ठीक है ना, उसमें खाली फॉर्मूला लिखेंगे अपन, स्टूडेंट नोट्स लिखेंगे भर भर के, तो वो एक नोटबुक हो गई, और उसके अलावा 2 से 3 नोटबुक अपन लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो वैसा सिनारियो रहेगा। चलो अब अगर आप लोगों को पता हो तो जैसे मैंने कॉस्टिंग में सब्जेक्ट को 4 फेजेस में डिवाइड किया है, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी फेज में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, सो अपन कर रहे हैं पेपर नंबर 6A ऑफ सीए इंटरमीडिएट एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आप एक ऐसे बंदे से पढ़ रहे हो हु हैज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री, एंड समबड़ी जिसके पास से आप आगे जाके AFM भी CA फाइनल में पढ़ने वाले हो। सो दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज बिकॉज अपना एक वेवलेंथ तब तक ऑलरेडी बन चुका होगा एंड देन इट्स ओनली गोइंग टू बी पॉजिटिविटी, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं अभी अपन लोग इस कहानी को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानी को, ठीक है। इसको भी मैंने क्या किया है, कुछ फेजेस में डिवाइड किया है एंड वो मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करना चाहूंगा। आइए लेट्स 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 राइट इट डाउन। सो देखो इसमें है ना 2 चीजें होती है, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फाइनेंस को मैनेज करना। ये वर्ड फाइनेंस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कम ऑन लेट्स आस्क यू ऑल, वर्ड फाइनेंस सुन के क्या आता है? मैनेजमेंट तो पता है अपने को, चलो उसका तो जवाब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, फाइनेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है बोलिए, कम ऑन एवरीवन। पैसा, अपना सपना, मनी मनी, एकदम सही बोला, सबने एकदम सही जवाब दिया सर, पैसा ही पैसा, मनी ही मनी, एंड एक्चुअली फाइनेंस इज ऑल अबाउट दैट ओनली, मनी मनी मनी, अपना सपना, करेक्ट, मनी मनी यही है फाइनेंस, अपना सपना, मनी मनी, रोकड़ा, जेबात, इन्वेस्टमेंट, मनी, सही बोला। बट
बुजुर्गों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है, आप पूछिएगा अपने घर पे भी बुजुर्ग होंगे आपके दादाजी या जो भी है, उनका कहना है कि पैसा कमाना आसान है बट उसको मेंटेन और मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, एंड सो ट्रू इज दैट फैक्ट के चलो एक बार मेहनत करके या नसीब अच्छे खुल गए, चलो पैसा कमा तो लेंगे, बट अगर ये चीज साथ में नहीं है देन इन दैट केस आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब आप लोग से वो गलती ना हो और आपके क्लाइंट से वो गलती ना हो, इसके लिए सीए इंस्टीट्यूट बोलती है हम पहले से ही आपको ये सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया तुम लोग को? डन। सो ये जो पैसा कंपनी कमाती है, मैं बोलता हूं कंपनी ही क्यों, कंपनी के साथ आप भी जो पैसा कमाते हैं, क्या वो पैसा उड़ा देंगे? आंसर इज नो, उसको मैनेज करने को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट का अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे, इसको अगर आप फोकस नहीं रखेंगे, देन इन दैट केस पैसा आपका सम्मान नहीं रखेगा, याद रखना। एंड इस चीज के लिए दो उदाहरण है, उनसे बड़े उदाहरण और क्या ही हो सकते हैं। एक है मिस्टर मुकेश अंबानी एंड दूसरे है मिस्टर अनिल अंबानी। क्या अपन इन दोनों को जानते हैं? द आंसर इज यस। श्री धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद रिलायंस के प्रॉपर्टीज का बंटवारा हुआ, मुकेश को दिया 50%, अनिल को दिया 50%। आज मुकेश ने इस 50 को कर दिया है 250, अनिल ने इस 50 को कर दिया है 0। पैसा तो दोनों को मिल गया, पैसा तो दोनों को मिल गया था ना, पैसा तो दोनों को मिल गया, बट जस्ट लुक हियर हाउ टेबल्स टर्न। एक ने पैसे को मैनेज किया, मुकेश भाई ने संकल्प सर को बुलाया, सीखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और फाइनेंस को मैनेज किया, वो ही अनिल हो गया। अनिल हो गया, क्या नाम है ना उनके, मुकेश। मुकेश के पास पैसा ही पैसा है, मुकेश और अनिल हो गया, नील। चल अनिल जी पे नहीं असर हो, मैं तो खाली एक नाम बता रहा हूं आपको कि ऐसा है। एंड ऐसा नहीं है कि अनिल जी में दिमाग नहीं था, वेरी श्रूड, वेरी स्मार्ट पर्सन, बट यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे देन इन दैट केस दिस इज वेयर यू लैंड अप। एंड यही अगर आपने सही तरीके से सही जगह पे सही लोगों को पैसा दिया है, फिर देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रोथ व्हिच विल हैपन। ठीक है? यस गाइस। सो यस, मुकेश एंड अनिल। चलो अरे तो क्या हुआ इन लोगों के साथ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। दैट देखो इसमें एक ही चीज है, फाइनेंस का मैंने आपको मतलब पूछा, आपने बोला सर पैसा, आपने बोला सर पैसा, मैंने बोला बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही। दो ही चीज इसमें अपने को देखनी होती है इस पूरे सब्जेक्ट में, पैसे का इनफ्लो और पैसे का आउटफ्लो, बस और कुछ नहीं देखना है आपको, पैसे का इनफ्लो और पैसे का आउटफ्लो। जी हाँ, यस सो पैसे का इनफ्लो तो हो जाएगा बट अगर अगर ये इनफ्लो के बाद आउटफ्लो को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, अनिल भाई जैसा, अनिल भाई ने का यही प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने इनफ्लो तो आने दिया, वो तो ले लिया 50% जायदाद में हिस्सा,
बट उसके बाद आउटफ्लो को वो मैनेज नहीं कर पाए और आज दिवालिया जैसी हालत है, मतलब बैंक्रप्सी के वर्ज पे है वो। और वही मुकेश भाई, हाँ बढ़ते जा रहे हैं। बट अब आने वाला जनरेशन मुकेश भाई के बाद अनंत भाई, और क्या नाम है उसका, उसके भाई का नाम क्या, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, ये लोग के पास भी अभी आने वाला है पूरा का पूरा सत्ता। अब ये लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये लोग मेरे पास क्लास के आएंगे, के लिए आएंगे कि नहीं मुकेश भाई जैसे, देखते हैं भाई। आ गए अपने लिए क्लास के बाद तो अपन उनका मैनेज करवा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। अब अनिल भाई ने बोला है मैं मेरे बेटे को आपके पास भेजूंगा संकल्प सर, आप उसका पूरा का पूरा अकाउंट मैनेज करवा देना। बोला अरे अनिल भाई क्या बात करते, कोई टेंशन की बात नहीं है, वाह है ना। चलो सो क्या करना है अपने को यहाँ पे, फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस, मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैनेजमेंट। इनफ्लो किसका, मनी का, आउटफ्लो किसका, मनी का, इन दोनों के मैनेजमेंट को कहते हैं करेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ए समझिगड़ू। डन गाइस, चल ठीक है। सर गौतम अडानी ने भी आपका ही लेक्चर अटेंड किया था। अरे अब मैं क्या अपने ही मुंह से बोलूं यार, तुम लोग समझ जाओ यार, होशियार हो तुम लोग। चलो ठीक है ओके। नाउ चैप्टर्स के ऊपर आते हैं अपन लोग कि भाई इनफ्लो है। अब देखो मैं कैसे चैप्टर का नाम डिराइव कर रहा हूं, मैंने क्या बोला इनफ्लो और आउटफ्लो के मैनेजमेंट को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सुनना, इनफ्लो आया, अब क्या बोला इनफ्लो आया, इनफ्लो कहां से आएगा, ऊपर से गिरेगा पैसा, क्या लगता है आपको, चलो बताओ आपको क्या लगता है पैसा ऊपर से गिरने वाला है। ये जो मुकेश अंबानी ने इतना जियो है, जियो रिलायंस जियो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कहां से आया बोलो, कहां से आया। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जी हाँ। एंड ये जो सोर्स है, ये सोर्स कौन से हैं, ये आप मुझे बताएंगे। सोर्सेस मतलब इनफ्लो कौन से हैं, ये आया कहां से पैसा। तो भाई रिलायंस जियो में पैसा तो वो आज कमा रहा है, प्रॉफिट तो वो आज कमा रहा है, बट प्रॉफिट तो बाद की बात है, उसके पहले मेरे को फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कहां से पैसा आएगा, सौम्या आप बोल रहे हो अर्निंग, बट अर्निंग के पहले मुझे फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा कहां से आएगा। सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या है वो, क्या है वो आप लोग मुझे बताओगे। बैंक लोन, वेरी गुड। और कोई सोर्स जिससे पैसा कमा सकता हूं, पैसा मिल सकता है मेरे को, कमा नहीं सकता बट पैसा जिससे मैं जुगाड़ कर सकता हूं, पैसा मिल सकता है जिससे मेरे को। एंजल इन्वेस्टर्स, इक्विटी, वेरी गुड, यही सब जवाब सुनना था तुम्हारे पास। इनहेरिट किया कुछ, हराम का पैसा खाएगा अरोड़ा जी। चलो सो इनहेरिट आप करोगे तो कितना ही करोगे यार, बट मार्केट में इनहेरिटेंस के पैसे से नहीं रखते, वो तो आप साइड पे रखते हो एज अ सिक्योरिटी, इनहेरिट किया हुआ पैसा तो एज अ सिक्योरिटी आप रखते हो, बट अदर देन दैट आपको जरूरत पड़ती है इक्विटी शेयर कैपिटल की, आपको जरूरत पड़ती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सुना है ये सब क्या होता है, ये सब डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। वेरी गुड, आजकल तो एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा है। करेक्ट, फिर और कुछ, और कुछ पैसा आपको लग रहा है, डिबेंचर्स, वेरी गुड, बराबर है। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से सुनना,
कह रहा है इससे मेरे को पैसे की जरूरत है, इनफ्लो की जरूरत है, तो मेरे पास ये जरिए है सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाने के, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, किसी ने बोला है बॉन्ड्स, क्या बात है, ये सारा जो पैसा है अब मेरे को चाहिए टोटल 10,000 रुपए, मेरे को चाहिए 10,000 रुपए। मैंने कहा ये 10,000 रुपए मैं कहां से लाऊं, मैंने कहा ये 10,000 रुपए मैं कहां से लाऊं, तो मेरे पास चार ये है, तो अब क्या करूं, 2,500 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,500 ये, 2,500 ये, 2,500 ये, या 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, ऐसा करूं, क्या करूं। वो डिसीजन जो लेना होता है ना, उसको कहते हैं फॉर्मिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सोर्स ऑफ कैपिटल तो पता चल गया, बट कौन से कैपिटल से कितना पैसा जनरेट करना है, क्या बोला, कौन से कैपिटल से कितना सोर्स ऑफ फंड जनरेट करना है इज कॉल्ड अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा फर्स्ट चैप्टर ऐसा नहीं बोलूंगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि एक चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ए समझ गए, क्या 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 कनेक्शन समझ रहे हो, क्या कनेक्शन समझ रहे हो, कनेक्शन समझ रहे हो। देखो क्या है, क्या कौन सा सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो पहले वर्ड को उठाते, फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, पैसा, और कुछ नहीं है फाइनेंस, मैं बोल रहा हूं हार्ड कोर पैसा। तो पैसा आता भी है जाता भी है, बुजुर्गों ने कहा है आ तो जाएगा, बट उसको जो प्रॉपरली मैनेज करेगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करना, मैनेज करना, उसको कहते हैं, उस चिड़िया का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसमें मैंने बोला कि चलो भाई पहले इनफ्लो की बात करते हैं, तो इनफ्लो की जब मैंने बात की तो मैंने बोला सर क्या क्या जरिए है मेरे पास वो इनफ्लो जनरेट करने का, तो मेरे पास जरिया है इक्विटी, प्रेफरेंस, एंजल इन्वेस्टर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एटसेट्रा, बट ये सब जगह से अगर मैं पैसा जनरेट करता हूं तो कितना किसमें से लू, पूरा का पूरा 10,000 इक्विटी, 5,000 इक्विटी, 5,000 डेट, 2,000 इक्विटी, 2,000 डेट, 2,000 एंजल इन्वेस्टर। वो जो डिसीजन है उस डिसीजन को क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, एंड दैट इज योर चैप्टर नेम। ए समझ में आया, चैप्टर क्या है, क्या होने वाला है इस चैप्टर में, क्या होने वाला है इस चैप्टर में, बोलो बोलो, चल चल, समझ में आ गया। ये डिसाइड करेंगे कौन से कैपिटल से कितना सोर्स ऑफ फंड जनरेट करना है। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है। अच्छा अब दूसरा, इसी से कनेक्टेड दूसरा, इनपुट पे फोकस है और कैपिटल कौन सा क्या लेना है वो, अब इसी से कनेक्टेड कि भाई चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इक्विटी से 2,000 चाहिए, डिबेंचर से 5,000 चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से 1,000 चाहिए, और बचा हुआ एंजल इन्वेस्टर से और 2,000 चाहिए, तो 10,000 रुपया मेरे पास जमा हो गए। अब मेरे को बताओ ये लोग जो कैपिटल दे रहे हैं क्या वो फ्री में देने वाले हैं क्या, बोलो फ्री में देने वाले हैं क्या ये लोग कैपिटल, अगर फ्री में नहीं देंगे तो क्या होता है फिर, तुम लोग मुझे बताओगे। तो फ्री में नहीं दे रहे मतलब क्या, तो डिबेंचर्स अगर हो रहा है या इक्विटी शेयर वाला, इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा दे रहा है अपन उसको, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, देन क्या होता है वो। हाँ, वो तो मुझे वर्ड चाहिए कि ठीक है, तो इन लोग सब लोग को मेरे को कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। वेरी गुड प्रत्यांशी, वेरी गुड नानी, वेरी गुड पलक, पब्लिक का जवाब आया है सर आज की तारीख में तो सग्गा भाई भी दूसरे सग्गे भाई को फ्री में कुछ नहीं देता, तो ये अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे डिविडेंड, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे इंटरेस्ट, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उसी चीज को कहते हैं, उसी चीज को कहते हैं सेकेंड चैप्टर, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया मैंने, बट ये फोकट में नहीं आएगा, ये कैपिटल के लिए कितना खर्चा होने वाला है, इज माई नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अर्णव धवन पूछ रहा है व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स, सब बताऊंगा मैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए तू खाली इतना समझ ले इट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल। समझे क्या? सेकेंड चैप्टर मैंने कैसे डिराइव किया, ये जो कैपिटल आ गया है उनको रेगुलरली इंटरेस्ट डिविडेंड देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समझी गुड एवरीबॉडी, बोलो बोलो, टेल टेल यार। ठीक है चलो, अब इन सब का मेरे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, यू कैन से इन सब का ओवरऑल मेरे वेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरे एक्सपेंसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसको उसको कहते हैं कि भाई चलो कैपिटल तो आ गया, कॉस्ट भी निकाल लिया, अब इन सब की वजह से मेरे पूरे ओवरऑल पीएनएल और इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसको कहते हैं लेवरेजेस। क्या कहते हैं उसको? लेवरेजेस मतलब, मालूम है लेवरेज का मतलब होता है एक पुली, जैसे वो हैंडपंप देखा है, गदर में हैंडपंप होता है, तो वो हैंडपंप को कैसे बने, ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी निकलता है, तो वो जो हैंडपंप का जो डंडा है ना उसको बोलते हैं लीवरेज, उसको बोलते हैं लीवर, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं लीवर। तो जब आप हैंडपंप को नीचे करोगे तो पानी निकलेगा, जब आप हैंडपंप को ऊपर करोगे तो पानी बंद हो जाएगा, वैसा ही कुछ यहाँ पे है, कैसे आप कैपिटल को ऊपर नीचे करोगे तो उसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट वेल्थ और एक्सपेंसेस पे क्या होगा वो आपको बताएगा लेवरेजेस। गदर, गदर याद है, ये 2.5 किलो का हाथ है, उठेगा तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो उधर वो जो हैंडपंप का वो जो होता है ना डंडा, उसको बोलते हैं लीवर। तो हैंडपंप के डंडे को नीचे करो पानी चालू, ऊपर करो पानी बंद, तो आपको क्या करना है, पानी चाहिए पानी नहीं चाहिए, लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको वैसे ही प्रॉफिट बढ़ाना है, वेल्थ कम, एक्सपेंस कम करना है, वेल्थ बढ़ाना है, क्या करना है, लीवर, लीवरेज यूज करो, लीवरेज यूज करो। कैसा लगा कनेक्शन, कैसा लगा कनेक्शन, ए बोलो बोलो, चल चल, समझ में आया? चैप्टर नंबर 3 का नाम याद रहेगा, तीनों चैप्टर याद रहेंगे, ये पूरा बनता है आपका एक फेज जिसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, ये है आपका एक फेज, ये बनता है आपका एक फेज जिसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन फेज, के पैसा कहां से जुगाड़ करेंगे, फाइनेंसिंग समझे क्या, बोल दो ना हाँ या ना। हाँ डन, सो चलो ये फेस समझ में आ गया, कनेक्शन भी समझ में आ गया, खुद से अपन लोग पूरा इधर तक जो भी है समझ में आ गया, खुद से दिमाग लगा के कर पाएंगे अपन, ये पूरा बना पाओगे, डन। अब कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, चल अब कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, अब आते हैं दूसरे फेज के ऊपर, फेज 2 के ऊपर। तो ये जो फेज था ना, ये इनपुट वाला फेज था, पैसा आ रहा है, अब थोड़ा समझते हैं आउटपुट वाले फेज को, कि भाई पैसा जा रहा है, आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो ले लेते हैं इसको, अब पैसा जाएगा, अब ध्यान से सुनना, अब सुनो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से पैसा आ गया है, जो भी उनका कॉस्ट है उनको उनका कॉस्ट अपन दे देंगे, लेवरेज के हिसाब से मैंने अपना प्रॉफिट वेल्थ भी एक्सपेंस कम कर दिया, प्रॉफिट वेल्थ भी अच्छा कर दिया है, अब मुझे धंधा करना है,
अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, ये प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं के नहीं करूं, ये प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं के नहीं करूं, वो जो डिसीजन है जो कंपनी को लेना पड़ता है, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, और इसको प्यार से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है कि भाई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसी का एक और सब पार्ट हुआ करता था इन योर इंटर, जिसका नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल इन कैबज, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। आपको पता है इसको क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू सीए फाइनल, नो मोर इन इंटर। जी हाँ, तो डन साइड पे। तो अभी फिलहाल अपने को प्रोजेक्ट, अभी पैसा आया है, पैसे को आउटफ्लो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, बट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके क्या उतना रिटर्न मिल रहा है क्या, वो कौन बताएगा। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका नाम क्या है चैप्टर का नाम, कैपिटल बजटिंग। समझ में आया। अब चलो कैपिटल बजटिंग करके डिसाइड कर लिया मैंने कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। हाँ, एक तो कम हुआ बट उधर बढ़ गया। तो अब कैपिटल बजटिंग कर लिया, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला, हमने बोला कैपिटल बजटिंग करके कि इसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट किया और अब बहुत सारा पैसा आ गया। अब जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दे देती है, राइट। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, अपने पास रखना है, कुछ टाइम बाद देना है, देना ही नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, उसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजन, जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन। एंड चलो भाई, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज कर लिया है, पैसा आ गया है, डिविडेंड जब जितना देना है वो अपन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग इतना इजीली डिविडेंड नहीं देती है, ये लोग बोलती है हमारे पास जो पैसा आया है ना, हम उसको री इन्वेस्ट करके और अच्छा कुछ बड़ा करेंगे। जैसे मेरे पास अभी अगर पैसा आया है, मैं एप्पल कंपनी हूं, तो मैं iPhone 15 लाया हूं ना, मैं अभी iPhone 20 लाऊंगा, तो पैसा उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैं पैसा उसमें डाल दूंगा, उससे और पैसा कमाऊंगा, और पैसा आएगा और उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और कुछ करूंगा। फिर फाइनली मुझे लगा चलो अभी मेरे पास और कुछ जगह नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं डिविडेंड देके बात खत्म। सो एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिविडेंड देना है नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये बताएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस फेज इज कॉल्ड एज, देखो ये सब ठीक है, बट अगर डेली बेसिस पे आपके पास आपका मैनेज करने के लिए, समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको 10 करोड़ का घर देता हूं जिसको आप बेच नहीं सकते, या 10 करोड़ रुपया कैश देता हूं, आप क्या लोगे। ऐसा सोचो, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आपके पास दुनिया में एक पैसा भी नहीं है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, 10 करोड़ का घर या 10 करोड़ कैश। सबने बोला है सर 10 करोड़ कैश लेंगे, उसमें से 6 करोड़ का घर ले लेंगे, पर 4 करोड़ एवरीडे घर के खर्चे के लिए भी तो चाहिए। सर 10 करोड़ का घर तो ले लिया, बट उसको चलाने के लिए अगर पैसा ही नहीं होगा तो फायदा क्या। तो अपन ने इतना अच्छा बिजनेस और सब तो सेटअप कर दिया, बट उसको चलाना भी तो पड़ेगा, और वो चलाना पड़ता है आपको डे टू डे मनी से। तो ये डे टू डे मनी मैनेजमेंट को कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। विच इज डे टू डे
मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। ए समझू। डन। चलो सो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फंड जिसको कहते हैं। गॉट इट। ये हो गया अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। समझ में आया फेज टू। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? पहला, अरे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, क्या बात है, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर। जितना इजीली सर आप लिख रहे हो उतना इजीली हो भी जाएगा। अरे 100% हो जाएगा। अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में और बाइफरकेशन है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, देखेंगे। बट अभी के लिए ये 6 चैप्टर। अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये आपको समझ में आ गया? बोलो यार। डन। ओके, ये हो गया मेरा फेज टू। अब आ जाते हैं अपन लोग, अब आते हैं अपन लोग फेज थ्री पे। अब भाई मुझे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड दैट इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज, हेल्प्स टू एनालाइज अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन। सो रेशियो एनालिसिस से क्या होता है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता चलता है। बॉस सही कर रही है कि नहीं कंपनी? मालूम पड़ा बहुत सारा डेट ले लिया, लोन ले लिया और अर्निंग इनकम ही नहीं है, तो अपन तो गए, तो ये सब अपने को कौन बताएगा? रेशियो एनालिसिस। प्लस इसके साथ है टू थियोरी चैप्टर्स, टू थियोरी चैप्टर्स। बहुत इजी से चैप्टर्स है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। क्या है ये 3 थियोरी चैप्टर? पहला है आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दूसरा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। समझ में आई बात? तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 6, फिर 7, 8 एंड 9। सर ये रेशियो वाला चैप्टर 12th में भी था? वही वाला, वही वाला, वही वाला। सर एफएम में भी थियोरी है? हाँ भाई, 7 चैप्टर प्रैक्टिकल है तो 2 चैप्टर थियोरी है भाई, करना पड़ेगा। 10 मार्क थियोरी भी आएगा एग्जाम में, बोल देता हूं मैं। और ये सब को मैनेज करने के लिए, जी हाँ, आपको मिलेगी हमारी बुक जिसका नाम है ऑप्टिमाइज। प्लस इसमें भी अपने को फोकस करना है एमसीक्यू पे। प्लस तुम लोग को मैं लिखवाऊंगा मैजिक बुक नोट्स। जी हाँ, तो आप लोग ने अगर कॉस्टिंग लिया हुआ है तो आपको पता ही है कि अपनी जो ऑप्टिमाइज है, इट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट एनी स्टूडेंट वांट्स, विच इज मॉड्यूल, एमटीपीस, आरटीपीस, पास्ट पेपर्स, एक जगह जब जमा हो सारे मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स। यस सर, 12th में तो ढंग से समझ में नहीं आया था, ऐसा हर्षमीत बोल रहे हैं फॉर रेशियो एनालिसिस। हर्षमीत जी, अब देखिए आप इसमें चैंपियन बन जाएंगे। समझना तो दूर, चैंपियन बना दूंगा मैं आपको। और जब ये इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, मैं आपको बता सकता हूं ये 9 चैप्टर्स में से एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर्स डेली बेसिस पे कवर होते हैं, डेली बेसिस पे। यस,
कौन सी कंपनी कितना कैपिटल रेज कर रही है, कितने में रेज कर रही है, कैसे उसका प्रॉफिट वेल्थ एक्सपेंस चेंज हो रहा है, नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है क्या, कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया, कैसे वो अपना वर्किंग कैपिटल डेली बेसिस पे मैनेज कर रही है, क्या उस कंपनी के रेशियोज है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कंपनी का स्कोप है, कंपनी का कैसे फाइनेंसिंग हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, अभी आपके लिए थोड़ा अर्ली डेज है, मैं वो भी बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ना है, क्या है क्या नहीं, बट एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके मेरे पास आना, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके, खाली बस FM पढ़ना है, 50 में से 50 लाने करके निकलना है, नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है, वो तो मेहनत करके लाएंगे ही, मैं आपके ऊपर पर्सनली मेहनत करूंगा, वील गेट इट, बट कैसे इस सब्जेक्ट को एक अपने DNA में, अपने खून में घुसाना है, और फाइनल पे यू शुड बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड देन आप इसमें एक करियर बना सकते हो, करियर। ऐसा सीन है अपना ओवरऑल, समझ में आया गाइज आप लोग को, ये अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई तफ्लिक, क्लियर है सब लोगों को चीजें, एक्साइटेड है आप लोग ये सब्जेक्ट के लिए, डन, ऑसम। चलो गाइस, सो आई होप ये 9 के 9 चैप्टर्स लॉजिकली दिमाग में घुस गए होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना क्या है, पैसे के ऊपर फोकस, अरे भाई वही तो अपना सपना है, उसी के लिए तो हम ये डिग्री लेने आए हैं, ताकि पैसा कमा सके, बहुत सारा पैसा कमा सके, और इतना सारा पैसा जो अपन लोग कमा रहेंगे अपना सपना मनी कर करके, उसको मैनेज करना है, वो मैनेज करने के लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है जो सर सिखाने वाले हैं। पहला हमारा चैप्टर आया सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जितना भी पैसा आएगा उससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे कितना खर्चा लग रहा है वो कैपिटल को लाने के लिए वो पता चलेगा, और फिर उसके बेस पे मैं प्रॉफिट वेल्थ एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे कैसे करना है वो डिसाइड करूंगा यूजिंग लेवरेजेस। फिर आएगा मेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन कैपिटल बजटिंग, अब बहुत सारा पैसा आ गया है, रखूं कहीं और इन्वेस्ट करूं, डिविडेंड के फॉर्म में दे दूं, डिविडेंड डिसीजन, रोज एवरीडे डेली ऑपरेशनल वर्क के लिए भी तो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड देन कोई भी कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना है तो कैसे डिसीजन लू इन्वेस्टमेंट का, रेशियो एनालिसिस, एंड फाइनली 2 थियोरी चैप्टर्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ओके ओके ओके, चलो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं गाइस, हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू, वेरी एक्साइटेड नाउ टू टेक दिस जर्नी अहेड, एंड मैं बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है आपको ये सब्जेक्ट करने में, एंड यस आपका फेवरेट बना दूंगा, क्योंकि आगे जाके फाइनल में भी ये 100 मार्क्स के लिए आने वाला है, तब मुझे और आप लोग का बोलते हैं ना एक एक्साइटमेंट चाहिए, बाकी इसको भी थोड़ा मैं ध्यान में रख के आप लोग को बताते रहूंगा क्या यहाँ पे चल रहा है क्या नहीं, सो दैट आप इससे भी कनेक्टेड रहे, सब्जेक्ट से कनेक्टेड तो रहेंगे, बाकी सारी चीजें तो अपन करने ही रहेंगे। ठीक है, चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।